तो बिहार में सालों से तबादले का इंतजार कर रहे लाखों शिक्षकों का इंतजार अब खत्म हो गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं अपना बिहार। शिक्षकों के तबादले को लेकर नीतीश सरकार नई नीति लेकर आ चुकी है और जिसके तहत 1 अगस्त से शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन अब लिए जाएंगे। इसके पहले मंगलवार को शिक्षा विभाग की नई कमेटी की बैठक होगी। शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर 20 जुलाई तक फाइनल रिपोर्ट तैयार किया जाएगा और 27 जुलाई तक शिक्षा विभाग के ACS एस सिद्धार्थ को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी, जिसके बाद 1 अगस्त से ई शिक्षा कोष पर शिक्षकों से ट्रांसफर के लिए आवेदन लिए जाएंगे। सक्षमता परीक्षा पास 1,87,000 शिक्षकों को आवेदन देना होगा। इन सभी का नए सिरे से तबादला किया जाएगा। सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद जिन शिक्षकों को नया जिला आवंटित किया गया था उनका भी फिर से तबादला होगा। सक्षमता परीक्षा पास नहीं करने वाले शिक्षक अभी आवेदन नहीं कर सकेंगे, जबकि BPSC से पहले और दूसरे चरण में बहाल शिक्षकों को प्रोबेशन पर जो शिक्षक हैं, वे भी ऐच्छिक तबादले के लिए आवेदन कर सकेंगे। शिक्षकों के तबादले में छात्र और शिक्षक के अनुपात को आधार बनाया जाएगा, जिसमें महिला, दिव्यांग और गंभीर रूप से बीमार शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा अब अगर पति पत्नी दोनों ही शिक्षक हैं तो दोनों एक ही स्कूल में काम कर सकेंगे। तो शिक्षकों के तबादले के लिए बनी नई नीति को लेकर अब शिक्षक बेहद खुश हैं। शिक्षक नेताओं ने भी सरकार के प्रति आभार जाहिर किया है और पुरानी मांग पूरी हो रही है इस बात को भी उन्होंने इंगित किया। इससे लाखों शिक्षक और शिक्षिकाओं को सीधा फायदा पहुंचेगा। शिक्षक कई परेशानियों से बच पाएंगे। 28 साल से हम पोस्टेड हैं किशनगंज में और मेरा गृह जिला दरभंगा है। लगभग 300 किलोमीटर का दूरी है हम लोगों के जिला के बीच में, ताकि हम लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारे छोटे बच्चे हैं, हमारे बूढ़े माँ बाप हैं, मैं किसी का भी ख्याल नहीं रख पा रहा हूँ। न्यूज़ 18 के माध्यम से मुझे पता चला कि सारे टीचर्स का पोस्टिंग हो रहा है। मुझे जान के बहुत खुशी हुई, सच में मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मेरे हस्बैंड किशनगंज में पोस्टेड है और मैं यहाँ दरभंगा, तो मुझे बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि मेरे सास ससुर हैं और मेरा एक छोटा सा बच्चा है, मुझे स्कूल भी देखना पड़ रहा था और घर भी देखना पड़ रहा था। न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक महिला, दिव्यांग और पति पत्नी को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। हम सरकार से मांग करते हैं कि आप अविलंब बिहार के 1,87,000 सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों का पोस्टिंग अविलंब करें। तो शिक्षकों के तबादले के बड़े फैसले को जाने माने शिक्षाविद डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने भी सकारात्मक नजरिए से देखा है। डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की माने तो सरकार के इस फैसले से सभी तरह के शिक्षकों को लाभ पहुंचेगा और इससे शिक्षा में गुणात्मक सुधार भी आएगा। ये सरकार का एक महत्वपूर्ण फैसला है। जो शिक्षक आज घर से दूर है या जिनके परिवार के दोस्त शिक्षक हैं, पति पत्नी हैं, अलग अलग हैं, अगर ट्रांसफर से उनको घर के नज़दीक लाया जाए, उनकी इच्छा के अनुसार ट्रांसफर हो, परिवार को एक किया जाए, तो इसका लाभ होगा। इसलिए लाभ होगा कि इन शिक्षकों की जो वास्तविक आय है उसमें वृद्धि होगी, उनका जो संतोष का लेवल है उसमें सुधार होगा, उनकी वह जो दूर दूर रहने के कारण, घर से दूर रहने के कारण जो उन पर जो साइकोलॉजिकल और व्यवहारिक बुरा प्रभाव पड़ता है वह दूर होगा और यह हितकारी है।